देते हैं, स्मॉल लेंस भी कहते हैं, ट्राइंगल लेंस भी कहते हैं। तो वो लगाने का तरीका बताऊंगी, तो उसके लिए बाजू की सीधी साइड है और उसके ऊपर लेंस की भी सीधी साइड रखेंगे। इसी तरह से आप इसको घेरे और चाक वगैरह पे भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको इसको घेरे और चाक पे भी लगाने का तरीका बता दूंगी घूम तरीके से। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि देखिए इस तरह से सीधी साइड नीचे रखी है बाजू की सीधी साइड के ऊपर। उसके बाद ये फैशन पट्टी जो है इसको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आप इसको लेस के ऊपर रखें। जितनी आपने लेस गुम करनी है उतनी आप इसके ऊपर इसको रख के लगा सकते हैं। आप चाहें तो पहले इस तरह से सिलाई लगा लें और फिर बाद में ऊपर फैशन पट्टी रख के सिलाई लगाएं, और अगर आप चाहें तो आप दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको पहले सिलाई लगा लें। ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, वरना साथ में फैशन पट्टी भी अगर रख के आप सिलाई लगा लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। इजी तो वैसे इस तरह से ही है कि पहले एक सिलाई लगाएं फिर वो आसानी के साथ लग जाता है। अगर फैशन पट्टी आप साथ में लगा सकते हैं तो लगा लें, घेरे चाक के तो साथ ही लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ये देखिए, या ये दो तरीके हैं, इस तरह से उल्टा करके ये जो आपने पहले सिलाई लगाई हुई है इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लें, या फिर हाफ इंच फोल्ड करके सीधी तरफ रख के लगा लें। ये मैं आपको दो तीन तरीके बता रही हूँ लगाने के। तो ये देखिए, ये जो मैंने सिलाई लगाई हुई थी इसी सिलाई के ऊपर ऊपर बिल्कुल मैं सिलाई लगाऊंगी, तो ये टोटल हाफ इंच की सिलाई आ जाएगी। तो ये इससे ये बिल्कुल घूम तरीके से लग जाएगी। जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि ऊपर फैशन पट्टी रख के लगाएं, उससे ये होगा कि एक सिलाई नज़र आती है गुम, तो वो उस तरीके से भी हो जाती है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से गुम हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिना फैशन पट्टी के साथ ही कपड़े के बीच में से निकाल के किस तरह से आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाना पड़े। तो ये देखिए किस तरह से सफाई के साथ ये लग गई है और कितनी प्यारी लगती है। इसके बाद इसको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thanks for watching.